वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंत्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन कि डिफ्लेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड सी ऑफ द फ्रेम शोन इन फिगर, ठीक है। तो इस फ्रेम पर हमको पॉइंट सी पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं हम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। तो ये पहले हम इसका ये हम मूवमेंट डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। और इसका ये हम एम डायग्राम, मतलब कि यूनिट लोड के, ठीक है, कारण हॉरिजॉन्टल लोड के कारण कितना डिफ्लेक्शन आएगा उसको निकाल लेंगे हम यहाँ से, और ये मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन हम एक्स एक्स कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम पहले डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है जो वो कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 to L mx m dx, ठीक है। इतना तो ये आप हमको पता ही है स्टैंडर्ड जी में कितना होता है डिफ्लेक्शन। तो अब देखो हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको चलिए निकालते हैं हम इसका, देखते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे पहले सी बी में ये क्लॉक वाइज मूवमेंट को पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो बी ए में भी कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस लेंगे, ठीक है, प्लस एम हो गया। अब देखते हैं अब स्मॉल एम के कारण, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 into 0 मूवमेंट ले रहे हैं, इसमें भी कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 into L, ठीक है। ये हो गया हमारा, निकल गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन, इसमें ये 0 हो जाएगा और इसमें लगाते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा 0 to L। तो L मतलब, ठीक है, mx की वैल्यू कितनी है, mx की वैल्यू हो गया इसमें m, इसमें कितना हो गया स्मॉल m का वैल्यू माइनस एल डिवाइड बाई कितना ई आई। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 2 EI माइनस, ठीक है। तो इसका ये डिफ्लेक्शन कितना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यही जो है ये क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है एट पॉइंट सी पे। और निगेटिव क्या शो कर रहा है कि जो निगेटिव शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन हम लगाए हैं वो डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर ये जो था ये यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये इधर रहेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो बस यही था, यहाँ पर ये 0 है तो 0 दोनों को प्लस कर दिए हम, दोनों प्लस हो गए तो कितना आया आखिरी में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट सी, कितना आया ml स्क्वायर बाई 2 EI, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है, हर एग्जाम में लगभग पूछता ही है, जहाँ भी डिफ्लेक्शन पूछेगा तो इसका क्वेश्चन को जरूर पूछता है। तो इसको आप एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह के मैं एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, फिर बाद में अपलोड करूंगा मैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा आप, स्ट्रक्चर एनालिसिस के MCQs के ऊपर है वो।